हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। दिस इज डीआरएक्स रहमान। आज बात करते हैं हम लोग डैफिन 5 मिलीग्राम टैबलेट के बारे में, इसके यूज़ और साइड इफेक्ट के बारे में, और कैसे काम करती है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं, और इसका इंटरेक्शन देखते हैं। इस मेडिसिन को लेने के बाद कौन सी मेडिसिन का यूज़ ना करें, इस मेडिसिन को लेने के बाद कौन सी मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बात करेंगे, किन लोगों को ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखते रहिए, वीडियो को लास्ट तक बने रहे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं इसकी ब्रांड के बारे में, इसकी किस नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। एम्लो सेफ 5, इसको एस्ट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एम्लो काइंड 5, इसको मैनकाइंड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एजाइनल 5, इसको एलएमबी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। एम्लीप 5, इसको सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये थी इसके ब्रांड नेम। तो अब बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। एम्लोडाइपिन एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग है। इसका यूज़ हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए किया जाता है, और हाइपरटेंशन, जिनका बीपी नॉर्मल से ज़्यादा रहता है, 140-90 जिनका बीपी रहता है, तो उन पेशेंट को भी ये ड्रग डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट डिजीज़, एंजाइना पेन, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे इसके यूज़। तो अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। वैसे इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जब आप ओवरडोज ले लेते हैं तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। डिजीनेंस, चक्कर आ सकता है, ड्रॉसीनेंस, सुस्ती होना, स्टमक पेन, न्यूजिया, इरेगुलर हार्ट रेट, दिल की धड़कन तेज़ हो सकती है। तो अगर आपको ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो अब बात करते हैं ये कैसे काम करती है। एम्लोडाइपिन कैल्शियम आयन के मूवमेंट को रोकता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण क्या है। हमारी बॉडी में वस्कुलर स्मूथ मसल्स और कार्डिक मसल्स होती हैं। इसकी जो सेल्स होती हैं उसमें जो कैल्शियम आयन का जो मूवमेंट होता है वो आपकी वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एम्लोडाइपिन का क्या काम है, वस्कुलर मसल्स की सेल्स और कार्डिक मसल की सेल्स में जो कैल्शियम आयन का मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करता है, जिससे वस्कुलर जो नसें होती हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन ना हो और ब्लड फ्लो आसानी से हो सके। तो अब बात करते हैं इसके डायरेक्ट इंट्रैक्शन के बारे में। इस मेडिसिन को लेने के बाद कौन सी मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। सिम्बास, स्टेटिंग, साइक्लोस्पुरिन, मेटाप्रोलोल, लिपिटोल, फ्रूसामाइड, लिवोथायरोजीन, इसोपेराजोल, इन सब मेडिसिन का उपयोग ना करें। तो अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में, किन लोगों को नहीं लेना चाहिए ये मेडिसिन। लो ब्लड प्रेशर, जिनका ब्लड प्रेशर कम रहता है उनको इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहिए। लॉस एपिटाइट, जिन लोगों को भूख नहीं लगती उन्हें भी इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए। न्यूजिया, व्यूमिटी, प्रेगनेंट वुमेन को तो गलती से भी मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए ये मेडिसिन, क्योंकि ये टेरिटोजेनिक ड्रग होती है जो प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं दी जाती है। अगर आप जानना चाहते हैं टेरिटोजेनिक कौन कौन सी होती हैं तो इसका लिंक आई बटन पे मिल जाएगा। ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन, माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उन्हें भी ये मेडिसिन नहीं लेना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके डोज और प्राइस के बारे में। इसकी डोज एम्लोडाइपिन 2.5 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। आपको इसकी नीड के हिसाब से डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस मेडिसिन को दिन भर में एक टाइम दिया जाता है खाना खाने के बाद, और इसका प्राइस एम्लोकाइन 5 मिलीग्राम टैबलेट का स्ट्रिप आपको 16 रुपये में मिल जाता है किसी भी मेडिकल स्टोर पे। तो दोस्तों यही थी इसकी जानकारी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।